नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जय जनशक्ति में। माय फ्रेंड्स, क्या आप मोबाइल लोन एप्लीकेशन की तलाश में हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो कि आपको आपके पैन कार्ड आधार कार्ड पर आसानी से ऋण प्रदान कराने का दावा करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आ जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स, आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते हैं। हम किसी भी कंपनी का किसी प्रकार से पेड या अनपेड कोई प्रमोशन नहीं करते हैं। वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य होता है आपको अवेयर करना, आपको एजुकेट करना, जिससे कि भविष्य में आपको किसी प्रकार का कोई भी इशू क्रिएट ना हो। अगर आपको लगता है वाकई में ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिएगा ही। चलिए लेकर के चलते हैं आपको इस एप्लीकेशन की तरफ, देते हैं एप्लीकेशन की आपको संपूर्ण जानकारी। माय फ्रेंड्स, अगर आप इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करेंगे यहाँ पर तो इनकी रेटिंग मिली हुई है। अगर आप इसके अबाउट सेक्शन की बात करेंगे तो इसने अपने अबाउट सेक्शन में क्लियरली कहा है अगर आप यहाँ पे लोन के लिए आवेदन करते हैं तो आपको कम से कम ये एप्लीकेशन 3,000 रुपये का ऋण प्रदान कराएगी और अधिकतम ये आपको 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान कराएगी। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ रेट की कि यहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कहा है आपको अधिकतम जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा वो 22%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। अगर बात की जाए इस एप्लीकेशन के टेन्योर वगैरह की, अगर आपने मानो यहाँ से 4,000 का लोन लिया या 5,000 का लोन लिया, 6,000 का लोन लिया, इवन 20,000 का लोन लिया, आपको कितना समय मिल सकता है? देखिए कहने को तो एप्लीकेशन अबाउट सेक्शन में कहती है आपको कम से कम 95 डेज का ये समय देगी और अधिकतम 365 दिन का, ठीक है, ये जानकारी इसने यहाँ पर दी है। अगर आप बात करेंगे प्रोसेसिंग फी की तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कम से कम 1% और अधिकतम 3% आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ सकती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और केवल आपकी सेल्फी रिक्वायर्ड है। किसी प्रकार से यहाँ पर कोई सिविल स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है, किसी प्रकार से आपको कोई भी यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं देना है। अगर आप बात करेंगे इस एप्लीकेशन के डाउनलोडर की तो यहाँ पर अब तक इस एप्लीकेशन को 10K+ लोगों ने डाउनलोड किया है। मेरे दोस्त, बहुत कम नंबर है अभी डाउनलोडिंग का, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इसकी पूरे तरीके से जांच की, मैंने इसका जो पहले रिव्यू सेक्शन देखा तो स्टार्टिंग के रिव्यू मुझे काफ़ी बेटर लगे। मेरे को देख करके लगा कि हाँ भाई, एप्लीकेशन काफ़ी जेन्युइन होगी। लेकिन जब मैंने इसका रिव्यू सेक्शन चेकआउट किया प्रॉपर तरीके से, मैं सी ऑल रिव्यू सेक्शन में गया और मैंने पहले इसका पॉजिटिव सेक्शन चेक किया, पॉजिटिव में मैंने पाया एप्लीकेशन को बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू मिले हुए थे, बहुत वेल एंड गुड। लेकिन दोस्तों, जब मैंने देखा यार ये भारत में ऋण प्रदान कराने का दावा कर रही है लेकिन इसको तो रिव्यू बाहर के लोगों ने दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे तरीके से एप्लीकेशन ने पेड रेटिंग ली है, पेड रिव्यू लिए हैं, तो ये तो आपके साथ में धोखाधड़ी होगी ना अगर आप ऐसी किसी एप्लीकेशन पर अप्लाई करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसकी जानकारी दे दी जाए प्रॉपर वे में। फिर दोस्तों, मैंने इसका जब क्रिटिकल सेक्शन चेकआउट किया तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से लोगों ने कहा है कि एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके परेशान कर रही है, हरास कर रही है, डरा रही है, धमका रही है और ऋण प्रदान करा रही है 7 दिन या 15 दिन के लिए। बहुत से व्यक्तियों ने ये भी कहा है अपने इस रिव्यू सेक्शन में कि ये जो एप्लीकेशन है पूरे तरीके से फेक है, फ्रॉड है, फर्जी। माय फ्रेंड्स, अगर आप इस एप्लीकेशन के नाम की बात करेंगे तो इस एप्लीकेशन का नाम है एगप्लांट क्रेडिट एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। अगर आप बात करेंगे अब इस एप्लीकेशन से लोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देखिए अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि एप्लीकेशन पूरे तरीके से फेक है, फ्रॉड है, फर्जी है, जो लोगों ने रिव्यू दिए हैं उसके आधार पर। बाकी आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। मैंने वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई है जिससे कि आप पूरे तरीके से अवेयर हों, जागरूक हों और चीज़ों को समझें। देखिए 7 दिन
का ही ये आपको ऋण प्रदान कराएगी, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जानकारी इसने गलत दी है। अब आप इसकी कंप्लेंट जो है साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर के साइबर क्राइम को भी कर सकते हैं। और हाँ, रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, इसने एक NBFC का नाम लिखा है, आप उस NBFC से एक बार ज़रूर वार्तालाप कर लें, उससे पूछ लें कि भाई इसमें कितनी सत्यता है। अगर आप एक डिफॉल्टर हैं और अगर आप ऐसी एप्लीकेशन की तलाश में हैं कि आपको एकदम धमाकेदार एप्लीकेशन मिले और कुछ ही मिनटों में आपको 20,000-30,000 का लोन दे दे, पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लोन मिलता है कितना, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो को आप लाइक करके जाएं, अच्छा नहीं लगा है डिसलाइक करके जाएं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। और हाँ गाइज, मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप मुझे मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं छोटे छोटे अपडेट देता रहता हूं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।